गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो. सो दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ दिस लेसन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सो इन प्रीवियस वीडियोज वी हैव डिस्कस अबाउट द खादर बांगर रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स फिजियोग्राफिक डिवीजन इन विच वी हैव डिस्कस द थ्री मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ आवर कंट्री. देन वी हैव डन द सम मैप वर्क ऑल्सो in which I have told you the distribution of the various mountain ranges and we have discussed the different high peaks of the Himalayas. Now in today's video we'll start with the peninsular plateau. So here we go. So this is the tableland composed of the old crystalline igneous and metamorphic rocks. Tableland प्लेटू की जो शेप होती है वो एक टेबल की तरह होती है, लाइक दिस. दिस इज द हायर पार्ट ऑफ द लैंड एंड इन द साइड्स वी हैव द स्लोप्स एंड दिस इज सेंट्रल अपलिफ्ट लैंड. सो दिस शेप इज नोन एज द प्लेटू. तो एक टेबल की फॉर्म में होती है, कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस. क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स आपने साइंस में पढ़े हैं. क्रिस्टलाइज्ड इग्नियस रॉक्स होती है आग्नेय शैल, ऐसी रॉक्स जो हमारे वॉल्केनिक प्रोसेस के थ्रू बनी है उन्हें आग्नेय शैल या इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से क्रिएट होती है. एंड मेटामॉर्फिक ऑल्सो, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर दोज रॉक्स विच चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस. केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के ड्यूरिंग जो रॉक्स चेंज हो जाती हैं उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है. एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है कि जितने भी हमारे ये चूना पत्थर होता है वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू, हीट के थ्रू, कंप्रेशन के थ्रू चेंज हो जाता है संगमरमर में. वाइट जो संगमरमर हमारा होता है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं घरों में फ्लोर के लिए, तो वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि कन्वर्ट हुई है एक चूना पत्थर. चूने को इंग्लिश में आई डोंट रिमेंबर द एक्चुअल नेम क्या कहते हैं, बट आप सभी को पता है चूना पत्थर क्या होता है. वो कन्वर्ट होके जब जो है उसमें बन जाता है पत्थर में, संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं. तो प्लेटू जितने भी हमारे वो इस तरह से बने हुए हैं. इट वॉज फाउंड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेकिंग अप द ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, थस इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास. अब गोंडवाना लैंड, इसके बारे में बात हो रही है. गोंडवाना लैंड क्या था कि हमारा जब अर्थ का जो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी बहुत ही पुराने टाइम की बात हो रही है, काफ़ी साल, करोड़ों साल पहले, तो एक ही मेन लैंड हुआ करता था जिसे गोंडवाना कहा जाता था. तो ये जितने भी प्लेटू बने हैं ये उसका एक पार्ट थे. एक ओल्डेस्ट लैंडमास जो था गोंडवाना, एक बहुत ही बड़ा भूभाग, एक ऐसा क्षेत्र, लैंडमास, लैंड का टुकड़ा, उससे ये अलग हो करके प्लेटू बने हैं. दी प्लेटू हैज़ अ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स. तो इनमें क्या होता है, एक ब्रॉड एंड शैलो वैलीज होती हैं, राउंडेड हिल्स होती हैं. अब प्लेटूज जो है उनके बारे में बताया गया है किस तरह से हमारा डिवीज़न है. टू मेन डिवीजन्स हैं हमारे इंडिया में. सेंट्रल हाईलैंड्स, दिस इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर के ऊपर, नर्मदा रिवर जो है गुजरात में, वहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र में बेसिकली नर्मदा रिवर वहाँ बहती है. और विच कवर मोस्ट ऑफ द मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू को कवर करते हुए मालवा प्लेटू भी वहीं हैं. ये सभी रिवर्स एंड प्लेटू का हम जो है माउंटेन रेंजेस का मैप स्पेशली करेंगे. एक मैप की भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, या हो सकेगा तो वो आपको जब भी स्कूल ओपन होंगे या क्लास होगी तो तब आपको समझाया जाएगा. हाँ, दी विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड. अब ये विंध्याचल रेंज है, एक सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज, दोनों ही महाराष्ट्र एमपी इनके आसपास की रेंज है. तो इनकी लोकेशन, इनकी मेन कौन कौन से पीक्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. इट्स फर्दर साउथ, सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड द इरोडेड एंड ब्रोकन अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट. तो इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अरावली हिल्स हैं. वी प्लेटू की लोकेशन के बारे में बात हो रही है सेंट्रल हाईलैंड की. वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, जो कि बाद में मिल जाता है राजस्थान के डेजर्ट से.
इट स्लोप्स फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। स्लोप कैसे है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक की, एज इंडिकेटेड बाय द फ्लो ऑफ द चंबल, चंबल रिवर के फ्लो की वजह से। चंबल रिवर राजस्थान में बहती है। सिंध बेतवा केन रिवर द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइड इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। एक और क्वालिटी क्या है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है ये वाइड है ज़्यादा वेस्ट की लोकेशन में और नैरो होता जाता है जैसे जैसे हम ईस्ट साइड की तरफ या ईस्ट लोकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। इट्स ईस्टर्न एज इज कंसिस्ट ऑफ द एरियाज नोन एज बुंदेलखंड एंड दी बघेलखंड। दी छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स दी फर्दर ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। अब आगे का एरिया जो है छोटा नागपुर प्लेटू हो जाता है हमारा झारखंड उड़ीसा के आसपास का एरिया और दामोदर रिवर वहाँ पर बहती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड डिवीजन प्लेटू का डेक्कन प्लेटू। दी ट्राइंगुलर लैंडमार्क लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के साउथ में एक ट्रायंगुलर लैंडमार्क है द ब्रॉड बेस ऑफ द सतपुड़ा रेंज। यहाँ सतपुड़ा रेंज का बेस है जो इट फ्रॉम इट्स नॉर्थ वाइल द महादेव हिल्स द कैमूर हिल्स द मैकाल रेंज एंड फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। तो वेस्ट में ये ज़्यादा ऊंचा है और ईस्टवर्ड जैसे जैसे होता है तो इसकी जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो जो स्लोप है इसकी वो जेंटली ईस्टवर्ड हो जाती है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट जनरली नोन एज द मेघालय कर्बी आंगलोंग प्लेटू। नॉर्थ कछार हिल्स इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू बाय फॉल्ट। अब ये नॉर्थ कछार हिल्स और छोटा नागपुर प्लेटू दोनों अलग हो जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जितने भी हमारे सेवन सिस्टर के स्टेट हैं वहाँ पे। थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम इट्स वेस्ट टू ईस्ट आर दी गारो खासी एंड जयंतिया। इनकी लोकेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। ये तीनों ही जो माउंटेन रेंजेस हैं ये मेघालय में हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। दीज घाट्स मेक द ईस्ट एंड वेस्ट एजेज ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ईस्ट और वेस्ट डेक्कन प्लेटू के एज हैं ये कोने हैं। दी वेस्टर्न घाट ऑल्सो कोल्ड एज सह्याद्री रेंज। वेस्टर्न घाट की जो जो एरिया है उसको सह्याद्री रेंज वहाँ पे माउंटेन रेंज है जो पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट के। हमारा वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारे इंडिया का इस तरह से ये वाला जो एरिया है उसके पैरेलल ये चलती है। दी वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की जो माउंटेन रेंज से ज़्यादा हाइट उनकी ज़्यादा है जबकि ईस्टर्न की इतनी ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 टू 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में ज़्यादातर माउंटेन हैं जो उनकी ऊंचाई है माउंटेन रेंजेस की वो 600 मीटर्स तक है जबकि वेस्टर्न घाट के जो है वो वेरी करते हैं 900 से 1600 मीटर्स तक। The घाट्स cause orographic rain by forcing the rain bearing moist monsoon winds in the rain along the western slope of the घाट। ये देखिए मानसून का जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा हमारा वेस्टर्न घाट पे जो है जितनी भी वो बारिश होती है हमारे जून के महीने में जब विंड्स चलती हैं वहाँ से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास से राइटवर्ड से विंड चलती हैं मॉइस्चर उठा करके अरेबियन सी से और इंडियन लैंड मास पे वेस्टर्न घाट पे जो है बारिश करती हैं और एक रिवर्सल होता है सीजनल विंड का इसी को ही मॉनसून कहा जाता है। तो ये क्लाइमेट वाले लेसन में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जिस साइड जो है रेन होती है सपोज इफ दिस इज़ द माउंटेन देन इफ रेनिंग इज हैपनिंग ओवर हियर देन दिस एरिया विल बी नोन एज द विंडवर्ड साइड एंड द अदर एरिया और वी कैन से द अपोजिट एरिया ऑफ दिस रेंज माउंटेन रेंज दिस एरिया विल बी नोन एज द लीवर्ड साइड। सो लीवर्ड साइड इज द एरिया विच डू नॉट गेट प्रॉपर रेनफॉल एंड अपोजिट इन इन द अपोजिट डायरेक्शन द विंडवर्ड एरिया गेट्स द हायर अमाउंट ऑफ रेनफॉल कंपेरेटिवली। तो ये विंडवर्ड होगा ये हमारा लीवर्ड होगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं बेसिक से ये मैंने आपको यहाँ बता दिया दोबारा से। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हाइट बढ़ती जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ जब हम आते हैं। अनाई मुड़ी 2695 मीटर एंड द डोडा बेटा आर द हाइएस्ट पीक ऑफ फाउंड ईयर। अनाई मुड़ी एंड डोडा बेटा ये दो माउंटेन पीक्स हैं हाइएस्ट हमारे वेस्टर्न घाट के। द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदागमन गमंडलम हाँ
उदागमंडलम प्रॉपरली नोन एज दी ऊटी। ऊटी बहुत ही फेमस एक हिल स्टेशन है जो कि हमारे यहाँ इसमें वेस्टर्न घाट की माउंटेन रेंजेस में पड़ता है। एंड द कोडिया कैनाल आर दीज हिल्स। दी वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टीन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली। एक कॉन्टीन्यूअस वे में माउंटेन रेंज है इस तरह से वेस्टर्न घाट पे हमारी, और ये पासिस के थ्रू इनको क्रॉस किया जाता है। पासिस एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में जिसे दर्रे कहा जाता है। एक ये नैरो पैसेज होता है, एक नैरो एरिया होता है, वे होता है जहाँ से किसी भी माउंटेन रेंज को हम क्रॉस करते हैं। ये भी एक प्रॉपर टॉपिक है मैप्स में, तो ये भी हम करेंगे। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टीन्यूअस इन रेगुलर डिसेक्टेड बाई रिवर्स ड्रेन बाई द बे ऑफ बंगाल। महेंद्रगिरी 1501 इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक हमारा महेंद्रगिरी है। शेवरी हिल्स एंड द जावेदी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु लाई एट द जंक्शन ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। नीलगिरी हिल्स जो है दोनों के बीच में पड़ती है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट की। तो ये भी एक नीलगिरी हिल्स मैप में बहुत बार पूछा जाता है CBSE के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप उठाएंगे 9th क्लास के, तो उसमें आपको नीलगिरी के हिल्स जरूर पूछी जाती है मैप्स में। नेक्स्ट है हमारा डेक्कन ट्रैप। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू नोन एज द डेक्कन ट्रैप कंटेन्स ब्लैक सॉइल ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। ब्लैक सॉइल पाई जाती है वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से। जो भी मैग्मा होता है हमारा, जब वो लावा जब निकलता है किसी वॉल्केनो से, तो जब ठंडा हो जाता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है, और वो ठंडा होने के बाद ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। दी रॉक्स आर इग्नियस एंड डेन्यूडेड फ्रॉम द ब्लैक सॉइल फेमस फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इसलिए जो ये एरिया है डेक्कन प्लेटू वाला, डेक्कन ट्रैप वाला, वो बहुत ही फेमस है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। इससे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन भी हमारे यहीं इसमें इसी एरिया में होता है, महाराष्ट्र वगैरह में, महाराष्ट्र गुजरात। नेक्स्ट वी हैव द इंडियन डेजर्ट। द लाइज ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। लोकेशन इसकी है, कहाँ पे लाई करता है, अरावली हिल्स के वेस्टर्न में। इट कंसिस्ट ऑफ वेव लाइक सैंडी प्लेन विद वेरियस टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स होते हैं टिब्बे, रेत के टिब्बे। तो इस तरह से जो हमारा डेजर्ट है उसमें रेत ही रेत है, और साथ में बहुत सारे सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। इट रिसीव्स लेस देन 150 मिलीमीटर रेनफॉल एनुअली। बहुत ही कम रेनफॉल होता है, इसीलिए ड्राई एरिया भी है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन। वेजिटेशन नहीं होती। जब हमने वेजिटेशन वाला लेसन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स है वो हमारी इंडियन डेजर्ट की वेजिटेशन है। लूनी इज द ओनली रिवर इन दिस रीजन। लूनी रिवर एक है इस रीजन की। हर स्ट्रीम्स अपीयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून रीजन। और जो कि एक सीजनल रिवर है, हमेशा नहीं बहती है, सीजन में बहती है जब भी मानसून होता है। क्रीसेंट शेप्ड एंड ड्यून्स कॉल्ड बरखांस कवर मोस्ट ऑफ दिस डेजर्ट। बरखांस जो होता है एक तरह की एक लैंडफॉर्म फीचर्स है जो हमारा इसमें क्रिएट होता है डेजर्ट एरिया में। ये कुछ इस तरह का होता है लाइक दिस। दो इसके शार्प एज होते हैं और इस तरह से विंड की डायरेक्शन होती है, और वो रेत को उठा करके कोई भी बड़ा पत्थर या कोई कुछ भी चीज़ जब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है उसके आसपास यहाँ जमा हो जाती है, और इस तरह से ये एक शेप बन जाती है उसकी तरह, जो घोड़े की नाल होती है या गाय का पैर इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह की एक शेप बन जाती है, इसको बरखान कहते हैं। बट दी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आर ऑल्सो सीन इन द वेस्टर्न एज ऑफ दिस रीजन। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स ये भी एक तरह की लैंडफॉर्म फीचर्स है, ये प्रॉपर आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। वेस्टर्न एज ऑफ दिस रीजन नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर दिस डेजर्ट इज नोन एज द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा द कोस्टल प्लेन्स। The peninsular plateau is bordered by narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The western coast, which lies between the Western Ghat and the Arabian Sea, is narrow plain. It consists of three section. तीन section है इस area के, इस plain के जो बीच में है हमारे eastern western ghat के। Northern part of the coast is called Konkan, Mumbai, Goa. Central stretch is called Kannad plain. Next है हमारा southern
स्ट्रेच इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट, जो इसका सदर्न को स्ट्रेच है उसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है। द प्लेन विच लाइज अलोंग द बे ऑफ बंगाल इज मोर वाइड एंड लेवल। इन नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ नोन एज द नॉर्दर्न सिरकार एंड इन सदर्न पार्ट इट्स नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। रिवर्स लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टास ऑन द कोस्ट ऑफ ऑन दिस कोस्ट। लेक चिल्का इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ओडिशा। इट इज़ फेमस एज द विंटर होम फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। इट लाइज इन द साउथ ऑफ द मानवी डेल्टा।